और अब बात कर लेते हैं उपचुनाव की। तो उपचुनाव बीजेपी और एसपी दोनों की प्रतिष्ठा का दांव इस पर लगा हुआ था, क्योंकि 2027 से पहले ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। वोटिंग के दौरान बुरके पर काफी सियासी गहमा गहमी देखने को मिली, बहुत बवाल मचा, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। बात चुनाव आयोग तक पहुंची तो शिकायत पर एक्शन भी हुआ, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पर वोटिंग के बीच सियासी वार पलटवार भी खूब देखने को मिला। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग में बुर्का पर भी खूब सियासी हंगामा हुआ। वोटिंग के दौरान बुर्के में महिलाओं का आईडी कार्ड चेक करने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की और चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन भी लिया। यूपी उपचुनाव में 7 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें मुरादाबाद में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। कानपुर में भी 2 पुलिस वालों पर सस्पेंशन की गाज गिरी। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ है प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद ही उनको वोट देने दिया जाए, और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे, और बाहर जो पुलिस कर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी, वोट आईडी चेकिंग आदि, या उसके आधार में रोका नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों पर वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक करने के आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो काउंटर करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रहना चाहिए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाहर से लोगों को बुलाकर माहौल खराब कर दिया है। ये बेमानी पे इसलिए उतराए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। उधर मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस का रवैया इस चुनाव में लोकसभा चुनाव से ज्यादा खराब है। बीजेपी के लोग बुर्के को लेकर माहौल बना रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने साफ कर दिया कि करहल में बीजेपी ही जीतेगी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। उन्होंने खुले मन से संसद में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। ज्यादा से ज्यादा मेरी सबसे यही अपील है कि आप जाइए और अपना वोट और मताधिकार का प्रयोग करिए, और हम समझ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है, और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह पुलिस का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ उससे एक कदम आगे का रवैया उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपना रही है और लोगों को मताधिकार प्रयोग करने से रोकने का कार्य कर रही है। कि लोकतंत्र अपना फैसला करता है, और मैं तो यही कहूंगी कि आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, और मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है, उपचुनाव में भी वह जीत जीतेगी। उधर कटहरी उपचुनाव में भी आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई जारी रही। एसपी सांसद लालजी वर्मा ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए, तो बीजेपी ने एसपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि एसपी चाहती है फर्जी मतदान हो, बुर्के में फर्जी मतदान कराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी।
कि यहाँ पर मतदाता जो इधर से आ रहे हैं उनको मतदान केंद्र पर जाने से रोकने का काम पंडित त्रिपाठी इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है, तो ये शिकायत मिली, जिस शिकायत के आधार पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था का रखना, पुलिस का काम है किसी मतदाता को रोकने का काम नहीं है। अगर मतदाता को रोका जाएगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चूड़ी नहीं पहने है, हम लोग निकल कर इसका विरोध करने का काम करेंगे। चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके समाजवादी पार्टी केवल फेस सेविंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन 9 सीटों पर जीत रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत किया है कि बड़ी संख्या में हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन के नियम के मुताबिक आसपास निर्वाचन स्थल के जहां पर मतदान हो रहा है 144 दफा लगी होती है, वहां भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। ये भीड़ इकट्ठा करके अधिकारियों को दबाव में लेकर के और खासकर भुरका पहना करके पुरुषों को वोट डालवाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कंप्लेंट निर्वाचन आयोग से की है। दरअसल उपचुनाव में बीजेपी और एसपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, ऐसे में वोटिंग के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा, शिकायत पर एक्शन भी हुआ। अब देखना होगा कि नतीजों में कौन बाजी मारता है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग के साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा चुनाव है जिसके नतीजों पर आने वाले दूसरे चुनाव और उसकी रणनीति टिकी हुई है। साथ ही केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने जो पूरा दमखम लगाया उसका भी परीक्षण है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। केदारनाथ चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को केदारनाथ की जनता का फैसला देश के सामने आएगा। केदारनाथ सीट का रिजल्ट कोई आम उपचुनाव का रिजल्ट नहीं होगा। इस सीट पर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की साख का इम्तिहान है, वहीं विपक्ष के ऊपर अयोध्या बद्रीनाथ जीतने के बाद केदारनाथ से बीजेपी को जवाब देने का दबाव है। बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव सरकार होते हुए हार गई, इसलिए केदारनाथ उपचुनाव जीतने का भारी दबाव बीजेपी पर है। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष खुद इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए केदारनाथ में उतरे। वहीं बीजेपी केदारनाथ जीतकर यह साबित करना चाहेगी कि पहाड़ में पार्टी की पैठ मजबूत है और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी निकाय और पंचायत जीतने का प्रयास करेगी। केदारनाथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के कई प्रोपगंडे करने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस ने हार मान चुके हैं, वहां की जनता का नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, धामी जी पर विश्वास है कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का कायाकल्प किया तो मोदी जी ने किया। केदारनाथ के रिजल्ट पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का आगे का प्लान भी टिका है। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, ऐसे में केदारनाथ जीतकर कांग्रेस भी अपनी मजबूती का मैसेज देना चाहेगी और इस एक सीट की जीत के सहारे कांग्रेस 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक एक माहौल बना सकती है। क्योंकि जिस तरह केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का चुनाव है, वही पोजिशन 2027 में होगी। वही आने वाले दिन में पंचायत और निकाय में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जहाँ जहाँ हमने संपर्क किया है अपने साथियों से, होली बूथ में हमारे जो कार्यकर्ता डटे हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर पोलिंग बूथ से जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनका कहना है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ी जीत होगी। साफ है कि केदारनाथ का उपचुनाव इस बार कोई मामूली उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव का रिजल्ट भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस की पोजिशन और रणनीति को तय करेगा और रिजल्ट ये भी साफ कर देगा कि आने वाले चुनावों के लिए किसको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
और संभल में कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को देर रात सर्वे का काम हुआ। सर्वे संभल की जामा मस्जिद का था, जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर था। हिंदू पक्ष ने जो दावा पेश किया उसमें कहा गया कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। फिलहाल तो मामला कोर्ट के आदेश पर टिका है, लेकिन जामा मस्जिद के सर्वे पर सियासी पारा जरूर गर्म हो गया है। काशी मथुरा के बाद अब संभल की जामा मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष ने दावा पेश कर दिया। संभल की जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष हरि मंदिर के होने का दावा कर रहा है और इसी को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला कोर्ट के आदेश के बाद में 8 सदस्यों की टीम ने जामा मस्जिद में जाकर सर्वे किया। संभल की जामा मस्जिद में मंगलवार को 2 घंटे तक सर्वे का काम हुआ और सर्वे टीम के अलावा DM, सांसद, SP मौजूद रहे। कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं, उस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध। हम केवल जो DM और कमिश्नर उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, हमने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। अच्छा, ये सर्वे और कितने दिन चलेगी? अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है, यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़े तो सर्वे करेंगे। जिला कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में सच जानने की कोशिश हुई, सबूतों को जुटाने की कोशिश हुई और वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर एडवोकेट कमीशन ने सर्वे का काम किया, जिसमें हिंदू पक्ष का मस्जिद में हरीश मंदिर होने का दावा किया गया है। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे के सवाल पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि उनके पास जामा मस्जिद होने के पहले से ही सबूत हैं। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। कंप्लीट जामा मस्जिद देखी गई है, उसकी चौहद्दी देखी गई है, अंदर से बाहर से तमाम जगह से देखा गया, कोई परेशान जो जिन चीज़ों में ताले लगे हुए थे, जिनमें कबाब भरा हुआ है, उसको भी खोल के हमने दिखा दिया। अब रिपोर्ट आई, अपनी रिपोर्ट देंगे। ये फिलहाल यहाँ पर जामा मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे कोई गुमराह हो, कोई गुमराह नहीं है, सब क्लियर है बिल्कुल। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि दोबारा सर्वे की जरूरत होगी। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फोटोग्राफी की गई है और वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सर्वे में जल्दबाजी का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कम से कम 7 दिन का नोटिस मिलना चाहिए। अभी तो जो कोर्ट का आदेश था वो हमने उसका पालन किया है, उन्होंने अपॉइंट किया कमिश्नर एडवोकेट के लिए, उनके साथ गए, प्रशासन का सहयोग रहा और वो कल जो न्यायालय का आदेश था उसका पूरी तरह से पालन किया गया है, फोटोग्राफी वगैरह की गई है। अब एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देंगे, इस रिपोर्ट के बाद देखेंगे क्या आवश्यकता है। इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमारे हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। इसके बावजूद भी विद इन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ, कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी। फिलहाल अब पूरा मामला कोर्ट के आने वाले आदेश पर टिका है, जिसमें कोर्ट की सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर है, लेकिन जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। सिद्धार्थनगर में एक वीडियो सामने आया जिसमें दूल्हे की बारात निकलने के दौरान हवा में नोट उड़ाए जा रहे हैं। इस दौरान 20 लाख रुपए के नोट उड़ाने का दावा किया जा रहा है। दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, बड़ी संख्या में बाराती मौजूद हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बाराती डांस छोड़कर अलग ही होड़ में लग गए।
घरों में पैसों की बारिश हो रही थी, किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि करारे करारे नोट लुटाए जा रहे हैं। कोई घर के छतों से नोट उड़ा रहा है तो कोई जेसीबी मशीन से नोटों की गड्डी हवा में उछाल रहा है। सिद्धार्थनगर की शादी की चर्चा खूब हो रही है, जहां काफी देर तक पैसे उड़ाए गए। सामने का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी आम इंसान की नहीं बल्कि कोई शाही शादी है, जहां बाराती भी पैसों की बारिश में पूरी तरह से भीगे दिखे। 100-200 यहां तक कि 500 के नोट भी लुटाए गए। 20 लाख रुपए उड़ाने की बात सामने आ रही थी। देव लहवा गांव का ये मामला है, जहां पर सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुआ। वहीं जब पुलिस ने मामले की जांच की तो 20 लाख रुपए के नोट उड़ाने की बात सही नहीं निकली। 8 से 10 हजार रुपए शादी में उड़ाए गए थे, लेकिन उनके साथ में चूरन वाले नोट भी थे। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग नए नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन सिद्धार्थनगर में इस तरह रुपए उड़ाने का मामला चर्चा में है। सिद्धार्थनगर से न्यूज 18 के लिए शरद चंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में दूल्हे को मंडप से बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। उस लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने उसे अपने से कम पढ़ा लिखा बताया। क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। सुल्तानपुर से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हन बनी लड़की ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया, बाराती और घराती दोनों सन्न रह गए। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद कला गांव की ये घटना है। दूल्हा बारात लेकर गांव पहुंचा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लड़की पक्ष की तरफ से बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी गई, खाने पीने का भी बढ़िया इंतजाम किया गया था। दोनों पक्ष के लोग शादी के जश्न में शामिल थे। दूल्हा और दुल्हन की जयमाल की रस्म अदायगी भी हो गई, लेकिन जयमाल के बाद लड़की के एक फैसले से शादी की खुशी फीकी पड़ गई। लड़की का कहना था कि वो दूल्हे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो ग्रेजुएट है, जबकि लड़का 10वीं फेल है और इसी वजह से उसके साथ शादी नहीं करेगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। लड़की को उसके घर वालों ने काफी समझाया। दोनों पक्ष से बड़े बुजुर्ग मान मनोबल में जुटे रहे। रात से सुबह हो गई, लेकिन दुल्हन शादी करने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद दूल्हे को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। लड़की के पिता दिल्ली में काम करते हैं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी अखंड नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के घर में तय की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। अगले दिन दोनों के परिवार थाने गए, किसी तरह समझौता हुआ। की जगह है क्या बोलते हैं, तिलक। हाँ, तिलक हमारा दे दीजिए और अपना गहना वापस दे दीजिए। अच्छा, मतलब वो तिलक का आप खर्चा दे दें। हाँ, और गहना आप ले जाए। हाँ, यही मामला है। शादी की बात बन नहीं रही है। शादी के बाद इनकार, लड़की के बाद इनकार कर दिया। शादी टूटने के बाद दोनों परिवार निराश हैं। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुल्तानपुर से न्यूज 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। बर्फीले पहाड़ों पर स्थित चारों धामों के कपाट अब बंद हो चुके हैं और डोलियां भी शीतकाल प्रवास पर पहुंच चुकी हैं। अब आगे जो 6 महीने हैं यहीं पर पूजा अर्चना होगी। ऐसे में अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि सरकार शीतकालीन यात्रा की भी अब शुरुआत करे। चार धाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफलाइन माना जाता है। हजारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है, लेकिन कपाट बंद होने के साथ ही इन इलाकों में सन्नाटा पसर जाता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कपाट ग्रीष्मकालीन धामों के बंद होते हैं, शीतकालीन प्रवास स्थलों पर तो भगवान विराजमान होते ही हैं, लिहाजा शीतकालीन धामों तक यात्रा जारी रह सकती है। ज्योतिर्मठ में लोग शीतकाल में यात्रा पर आते हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करती है तो इसका बड़े स्तर पर संदेश जाएगा। पट बंद हो गए तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है, तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर
डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य। सरकारी लेवल पर साल 2011 में भी एक बार शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने की पहल की गई थी। चार धाम विकास परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थल तक बर्फबारी के बावजूद यात्रियों को ले गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो शीतकालीन यात्रा होनी बहुत आवश्यक है, वो यहाँ की रोजी रोटी के लिए भी आवश्यक है। जो तीर्थयात्री देख नहीं पाते उस समय, उनको भीड़ रहती है, जो वेटेज रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं, 10-10 दिन तक नहीं मिलता है, गाड़ियां नहीं मिलती है, होटल नहीं मिलते, उनको भी न वो बाधित होंगे न कहीं उनको रुकना पड़ेगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दो पहलू हैं। श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन तो करेंगे ही, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। उच्च हिमालय के इन क्षेत्रों में माइनस में टेम्परेचर, भीषण बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है, और उस पर सड़कों को खुला रखना सेना तक के लिए भी चुनौती बन जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी सर्दियों में चार धाम यात्रा शुरू होती है तो ये उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद 9 बजे की खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।